लेट से कहा थे अनुष्का, मान लो 6:17 में वो आपको हम 10 मिनट लिखने के लिए टाइम देंगे तो 6 27 23 हो जाएगा, फिर कर आप पढ़ाएंगे कब बाबू? अभी आपके पापा को फोन करते शैतान सबको। आप लोग टाइम पे 6:00 क्लॉक में, 6:00 क्लॉक में पक्के आ जाइए, नहीं तो बाबू बड़े हो तो उठा बैठी करवाएंगे तो फिर शर्म लगेगा। देखो निकू नहीं आया जी, चलो निकू आया। देखो बाबू क्या करा रहे हैं हम आपको, क्या पढ़ा रहे बाबू? टाइम एंड मोशन पढ़ा रहे हैं ना, तो टाइम एंड मोशन बाबू स्पीड के बारे में बता दिए, एवरेज स्पीड के बारे में बता दिया है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो कुछ नहीं होता सर, जैसे एवरेज स्पीड क्या होता है सर? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो वही बाबू एवरेज वेलोसिटी क्या निकालेंगे? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है ना बाबू, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ, और डिवाइडेड बाई बाबू क्या टाइम है ना। ये सब क्या लिख ले सर? ये सब नहीं भी समझ में आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एस से। डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बाबू? लेटर एस से। एक्सीलरेशन आएगा तो एक्सीलरेशन को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वही है, डिस्प्लेसमेंट को किस से? एस से। अब चेंज मतलब सर के, चेंज का मतलब क्या सर? बदलाव। तो चेंज कैसे निकालते हो? जैसे पहले मेरा बाबू हाइट मान लो 5 फीट का था, अब 10 साल के बाद हाइट मेरा 6 फीट हो गया, तो चेंज कैसे निकालोगे? 6 -5 करोगे ना जी, 6 - क्या करोगे? 5 = 1 करोगे। चेंज मतलब बदलाव सर, चेंज का मतलब क्या? बदलाव। जैसे मान लो बाबू पहले आपके पास बाबू 10,000 रुपया थे कि नहीं, है ना? ठीक सर। और अभी बाबू है ना, 1 साल पहले 10,000 रुपया था और अभी आपका हो गया कितना? 15,000 रुपया, है ना? तो कहेगा कितना रुपया में चेंज हुआ, मैंने कितना रुपया आपका बढ़ा है ना, कितना? 10,000 है ना, कहेगा कितना रुपया आपका बढ़ा? तो कैसे निकालोगे? तो 15,000 - 10,000 करोगे, 15,000 - 10,000, तो 15,000 - 10,000 करें, इसी को क्या कहा जाता है? चेंज कहा जाता है। तो वही है डिस्प्लेसमेंट में चेंज, मतलब डिस्प्लेसमेंट में बाबू है ना, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो S2 माने जो फाइनल वाला डिस्प्लेसमेंट है -S1 बट टाइम में चेंज, तो टाइम में चेंज करना बाबू T2 - T1। आ इसी चेंज को बोला थोड़ा सा ऐसे, ये ट्राइंगल बना के लिख दिया जाता है। आगे आपको बाबू 11 12 में जाओगे तो इसको डेल्टा पढ़ा जाता है, और यही जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा ना तो वहां डिफ्रेंशिएट करके DS/dt करेगा, डिफ्रेंशिएशन पढ़ाया जाएगा ना। तो वो सब भी आपको नहीं सुनना है ना बाबू, नहीं पढ़ना है ना। तो चेंज को कैसे? डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो DT/dt है ना बाबू। ये नहीं भी समझ में आता तो एकदम सर का दर्द नहीं लेना, इससे नहीं भी आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आप सीधे एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या सर? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम टेकन, या टाइम टेकन सिंपली बोल सकते हो। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है कहानी है ना। अब आगे की कहानी सुनो। तो बाबू एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। तो वही लिखा हुआ है, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना सर? नेक्स्ट बाबू मन से पढ़ते चलना लक्ष्मी। उसके बाद बाबू क्या? डिस्प्लेसमेंट सूर्य से चिल्लाते आ रहा है बाबू, चिल्लाते चिल्लाते शरीर पचा है ना वो पतला हो गया। डिस्प्लेसमेंट मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, होता है कि नहीं होता है? राउंड टिप एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जीरो होता है। तब जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगा तब एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निगेटिव हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो एवरेज वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट पे। और डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, नीचे क्या लिख रहे हो लक्ष्मी? बहुत पिटेंगे। डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव निगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। बाद में लिखेगा ना उसका, भूलिए, आपको ग्रुप में हम भेज दिए, वहां से लिख लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए, ठीक है ना? इसी चीज को भेज दिए, वहां से लिख लीजिएगा, है ना? तो वही लिखा हुआ एवरेज वेलोसिटी बाबू कैन बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। ठीक सर। तो ये सब आपको इतना नहीं भी याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं, आपको फॉर्मूला याद रखना है। और आपको 9th क्लास में क्या पूछेगा? पूछा जाएगा न्यूमेरिकल्स। क्या? न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करोगे? क्वेश्चन आता है। अब आपका बाबू जो जर्नी स्टार्ट हुआ है 9 10 11 12, यहाँ पे आपको बाबू कंपटीशन दोगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। आपको फार्मूला नहीं आएगा कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लिखो, है ना? ये सब नहीं कोई पूछता, ये सब नहीं आता। क्या आएगा? इसका अप्लीकेशन में न्यूमेरिकल्स आएगा, है ना? तो उसी न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करना वही आप लोग को सीखना है ना। तो है ना बाबू 3 4 न्यूमेरिकल है, उसको सीखो कैसे कैसे सोल्व करोगे। जो बच्चा नहीं लिख पाए हो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए हैं ना, वहां से आप लोग क्लास के बाद लिखिएगा आप लोग। चैप्टर फिनिश होगा तो फिर आप लोग का फेयर चेक होगा, है ना? ठीक है, तो फेयर करते चलना। ठीक सर। अब इसी से रिलेटेड बाबू क्या है बाबू? न्यूमेरिकल्स वगैरह है ना। तो न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा बाबू, है ना? न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा? ये बाबू कृतिका बैच बी है, क्लास 9 वाला बैच बी है, क्लास 10 का बैच ए है ना? अभी तो बाबू आपसे बाबू बातें नहीं हो पाया, टाइम ही नहीं निकल पा रहा है।
तब फिर आपका 2 घंटा का क्लास लगेगा। नेक्स्ट हो क्वेश्चन क्या करा, ए बस बाबू कवर ए डिस्टेंस बाबू 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। मान लो बाबू क्वेश्चन क्या है ये बाबू, 19 नंबर सॉल्यूशन क्वेश्चन समझना, कोई बस है सर, नहीं हो सकता है। हाँ सर काहे नहीं हो सकता है ना, ठीक कोई बस है बोला, ठीक सर आप लोग सुंदर से बनाना। तो बस है बाबू कहाँ जा रहा है बाबू, है ना, दिल्ली से जयपुर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मान लो यहाँ पे दिल्ली है सर और आगे क्या होगा, जयपुर होगा, तो दिल्ली से जयपुर गया, ठीक सर। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आप लोग सुंदर से गाड़ी उड़ी बनाओ थोड़ा सा, है ना, ठीक सर। तो यहाँ ये क्या, हाँ कहाँ पहुंच गया, जयपुर पहुंच गया, क्या पहुंच गया, जयपुर, ठीक सर। कितना दूरी दिया वो क्वेश्चन, एक बस कवर डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर, कितना 250 किलोमीटर, दिल्ली जयपुर की दूरी कितना 250 किलोमीटर, कितना है 250 किलोमीटर, है ना, ठीक सर। कवर बाबू इतना वो टूवर्ड्स बेस्ट, बेस्ट की ओर जा रहा था, फिगर गलत हो गया ना बाबू, किधर जा रहा है बस, बेस्ट की ओर जा रहा है, तो इधर तो आपका ईस्ट चला दिया ना, अरे मेरे लाल इधर ईस्ट होता तो बेस्ट इधर होगा ना। हाँ सर मतलब क्या भोला, ये आपका बाबू डायग्राम थोड़ा सा चेंज कर लो, दिल्ली टू जयपुर जा रहा किधर जा रहा सर, बेस्ट की ओर, मतलब ये आपका दिल्ली हो गया भोला, है ना, इधर क्या हो गया, जयपुर हो गया, ठीक सर। तो दिल्ली से जयपुर जाएगा तो गाड़ी का बाबू घुमाओ, इंजन घुमाओ, है ना, हाँ सर इसको तो घुमाना पड़ेगा, इसीलिए बाबू क्वेश्चन आप लोग सही से पढ़ लेना। ये घूम गया तो ये दिल्ली से जयपुर चल गया पश्चिम की ओर, बेस्ट, बेस्ट मेरा इधर होता है सर, तो ये हो गया भोला। ना ठीक सर, दिल्ली से गया जयपुर कितना दूरी 250 किलोमीटर, इधर आपका क्या है, बेस्ट है, इधर इस डायरेक्शन में क्या आपका बेस्ट है, बात समझ में आता है ना। हाँ सर यहाँ तक तो बात समझ में आता है। यार दीदी वीडियो ऑन करो, यार से ऑन करो जी, बंद की लगाता है, ठीक 5 आवर बाबू, कितना घंटा में जा रहा बाबू, 5 आवर में, ठीक सर, ठीक। इन द मॉर्निंग बाबू एंड रिटर्न बाबू दिल्ली टू बाबू, है ना बाबू जयपुर, है ना बाबू, इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम, इसके बाद क्या होता बाबू, है ना, सुबह चला बाबू और फिर शाम को रिटर्न हो गया, मतलब शाम को बाबू क्या हो गया, ये रिटर्न हो गया, शाम को क्या हो गया, रिटर्न हो गया, ठीक सर। ये शाम को भोला मेरा चलेगा तो शाम को क्या हो गया, ये आपका जयपुर हो गया, पहुंच गया पुनः दिल्ली कि नहीं। हाँ सर ठीक, वही सेम डिस्टेंस सेम बाबू, है ना, सेम डिस्टेंस बाबू और सेम टाइम, क्या कर रहा है, इन द सेम टाइम एंड सेम डिस्टेंस, तो कह रहा है आपका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड फाइंड आउट करो, है ना, मतलब क्या सिनारियो है सर, सिनारियो क्या बोला मेरा, है ना, कि कोई गाड़ी चला, है ना, दिल्ली से चला पश्चिम डायरेक्शन की ओर बेस्ट की ओर, और फिर यहाँ से टर्निंग लिया और फिर आपको किधर पहुंच गया, आपका बाबू पुनः वहीं पे पहुंच गया, तो कह रहा है एवरेज स्पीड और क्या निकालने कह रहा है बाबू, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताए थे सर, कल ही है ना बताए, एवरेज स्पीड बराबर क्या बताए, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, है ना कृतिका, अब बटा टोटल टाइम, ठीक है सर यही तो बताए थे, या टाइम टेकन कितना टाइम लगा, है ना बाबू कितना टाइम लगा, टाइम टेकन, ठीक ठीक सर। टोटल डिस्टेंस कितना सर, तो 250 गया और फिर 250 तो आया ना, 250 गया, 250 तो आया भी ना, हो सर तो 250, 250 कितना 500 हो जाएगा मेरे लाल, 250 जाने का डिस्टेंस फिर 250 आने का डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा, 250, 250 किलोमीटर, श्रुति शैतान, अब बटा टाइम टेकन, तो टोटल टाइम तो जाने का 5 आवर आने का 5 आवर नहीं होगा, बताओ, जाने का 5 आवर और आने का भी 5 आवर, क्या क्वेश्चन में कह रहा है, सेम डिस्टेंस है सेम टाइम, मतलब जितना देर जाने में लग रहा है उतना ही देर आने में लग रहा है ना, बटा कितना हो जाएगा, तो 5 + 5 कितना 10, क्या हो जाएगा 5 + 5 10, क्या सर आवर सर, तो ये 250, 250 कितना 500 हो गया, डिवाइडेड बाई 5, 5 कितना 10, ऊपर किलोमीटर है सर नीचे आवर है, तो किलोमीटर घंटा हो गया, है ना, ठीक सर मार दो, 5 से 500 से 10 मरेगा ना बाबू, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा,
50 किलोमीटर पर आवर, ठीक सर? सर बात तो सुन, तो ये क्या निकल गया भोला मेरा, ये एवरेज स्पीड निकल गया। आगे आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने का रहा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या सर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम टेकन, यही होगा ना। जो क्वेश्चन नहीं लिख पाया ग्रुप में भेजा, वहां से आप लोग लिखिएगा। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या सर, क्या सर, एवरेज वेलोसिटी है ना बराबर क्या सर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कितना बाबू, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है ना। हाँ सर, खाली फार्मूला याद रखो, आंसर लूटो, बटा बाबू टाइम टेकन। अब बताओ भोली कृतिका, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जी, बता दो कृतिका, बता दो भोली, डिस्प्लेसमेंट कितना, माइनस तो वही 250 और 250, 250 भोली। जीरो ना होगा। हाँ सर, माइनस करेंगे तो जीरो सर होगा। जीरो होगा। हाँ भोले, अरे मेरे लाल, गाड़ी है मेरा लेकर कौन भाग गया जी, गाड़ी है आप लेकर भाग गया सर, हाँ सर, देखो बोला चोरी। बिना चक्के वाला, ये बाबू यहाँ से चला, शांति से समझना, दिल्ली से चला, चला सर, फिर रिटर्न हुआ इसी रास्ते, तो इसी रास्ते ही फोटो कैसे बनाएंगे है ना, खराब ना हो जाएगा, इसलिए नीचे बनाएगा, फिर यहाँ से घूम कैसे रिटर्न हो गया, ठीक, तो 250 गया, 250 आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, है ना बाबू, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो स्टार्ट यहीं से किया सर और पहुंचा यहीं से, तो है ना शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट यहीं सर और शुरू वाला यहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो, तो जीरो आ बट्टा बाबू टाइम टेकन, तो टाइम तो लगवे करेगा सर, 10, 0/10 कितना, जीरो है ना, तो स्पीड क्या हो गया, जीरो, वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया है ना, कोई वेलोसिटी नहीं, कोई वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया, लिखो, लिखिए बाबू, अगला क्वेश्चन समझाते हैं, कौन बच्चा नहीं है जी, एक शैतान वो नहीं है, रोशनी कहाँ रोशन कर रही है, लेट से काया थी अनुष्का, बोले सर छत पे थी। तो छत पे थे, तो मोबाइल छते पे लेके जाइए, बहुत सारे बच्चे बाबू छत पे ही क्लास करते हैं, छत पे रहते हो, छत पे मोबाइल लेके जाओ, लेट होगी बाबू उठा बेटी करवा देंगे, आज आपके पापा जी को फोन करके बोल देते हैं कि लेट आती है, जल्दी लिखिए, बोलिए आप लोग को लेट हर हाल में नहीं आना बाबू, अभी से टाइम का पंक्चुअल नहीं रहिएगा तो भविष्य में बाबू कैसे क्या होगा, 10 बजे ऑफिस जाना रहेगा, मान लो 11 बजे पहुंचोगे, बेइज्जती होगा बाबू, लात मार के भगा दिया जाएगा, जल्दी लिखे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक, 100 क्लॉक है, 100 क्लॉक आ जाइए, 10 मिनट में लिख लीजिए, 6:12 से शुरू कर देंगे है ना, ए आदित्य नहीं नेटवर्क पकड़ रहा, भोला आदित्य बाबू, सर बहुत तेज हवा चल रहा है सर यहाँ। अच्छा हवा चल रहा है, चलो आदित्य बिलासपुर, लाइट भी अगला चली गई क्वेश्चन सर। रुक जाइए सर। जल्दी लिखिए, नेक्स्ट, क्वेश्चन सर रुक जाइए सर थोड़ा सा। नंबर 20 का सॉल्यूशन है ना सर, हाँ सर, आपको बाबू एससी वर्मा का एक बुक आती है, खरीद लीजिएगा है ना बाबू, उसी से आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना, ज्यादा नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है, इसीलिए बाबू हम लोग ज्यादा वाला बुक नहीं प्रेफर करते हैं, क्लास 9 का एसी वर्मा का बुक आता, आपको दिखाए भी थे है ना, नहीं तो दिखा देंगे बाबू, नहीं सर मेरे रखते हैं, पास आप सभी बातों आए तो अच्छी बात है, जिसके पास नहीं है वो खरीद लेगा, ठीक, तो देंगे सर। देखो ये बाबू आप 11 12 में जाओगे तो यही कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के नाम से फेमस होगा,
कौन सा राइटर? एस सी वर्मा। सस्ता बुक है, ज्यादा नहीं है, एस सी वर्मा का है। अब पतला सा बाबू चैप्टर है भोला, इसमें बाबू कॉन्सेप्ट दिया हुआ रहता है, पतली सी बुक है। दूसर बुक खरीदो बाबू, मोटा रहेगा, देख के डर जाओगे। पतला सा बुक है, कोई फोटो फाटो नहीं बाबू, है ना? तो इसका बाबू खरीद लीजिएगा, और इसका क्वेश्चन हम आपको सोल्व करवा देंगे। अरे वो बुक चाहिए ना, रेफरेंस बुक जी, नहीं तो फिर डीपीएस बना के देंगे, तो वो तो आप लोग से होगा नहीं भोला, है ना? तो यही खरीद लीजिएगा, इतना इतना बना लोगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आराम से, है ना? ठीक, देखो अगला क्वेश्चन क्या करा जा, क्या करा भोला? व्हाट इज द एवरेज स्पीड बाबू एंड एवरेज वेलोसिटी बाबू ऑफ ए कार बाबू डेट मूव्स अब 40 किलोमीटर ईस्ट एंड 80 किलोमीटर इन वेस्ट, है ना, इन द 2 आवर? मतलब क्या करा सर, खाली गाड़ी है तो घुमाना है, कोई गाड़ी है भोला? नहीं हो सकता है। हाँ सर, कार है, जिंदगी बेकार हो जाता है भोला, लोन पे कार लोगे तो जिंदगी हो जाएगा बेकार, है ना? ठीक, एक बाबू क्या करा, वेलोसिटी बाबू मूव्स इन 40 किलोमीटर ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन, 80 किलोमीटर वेस्ट हुआ, मतलब क्या बाबू, यहाँ से कार चलना शुरू किया था, इधर ही ना ईस्ट होता भोली कीर्त का। अरे डायरेक्शन बाबू, इधर ईस्ट होता, इधर वेस्ट होता, ऊपर नॉर्थ होता, नीचे क्या होता, साउथ होता, यही ना कंपास में मैप होता है जी, मैप वगैरह में पढ़ते हो। हाँ सर, तो गाड़ी ईस्ट में जा रहा है, किधर जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, तो गाड़ी ईस्ट में जा रहा है तो ईस्ट में दौड़ा, तो गाड़ी इधर से ईस्ट में चला, कितना चला सर, 40 किलोमीटर, कितना चला, 40 किलोमीटर, तो गाड़ी 40 किलोमीटर चला, है ना? कहाँ गया भोला? अच्छी बात है, थोड़ा गाड़ी को और आगे से घुमाओ, है ना? ठीक सर, मन से पढ़ते चलना, इधर कितना गया बाबू, 40 किलोमीटर गया, मान लो यहाँ चल के यहाँ गाड़ी आ गया, है ना? ठीक सर, तो बीच की दूरी कितना, 40 किलोमीटर, यहाँ तक कहानी ठीक है? 40 किलोमीटर बाबू ईस्ट, बाबू मूव बाबू 40 किलोमीटर ईस्ट एंड बाबू 80 किलोमीटर वेस्ट, अब बताओ अगला फोटो कैसे बनाएगा? जब भी क्वेश्चन आवे बाबू फिजिक्स का, तो उससे बाबू आप डायग्राम बनाने की कोशिश करो, डायग्राम बन जाएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब 40 बाबू 80 किलोमीटर वेस्ट जा रहा है, तो 40 गया सर, 80 किलोमीटर, मान लो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, नहीं हो सकता। अब 80 किलोमीटर बेस्ट बनाओ, कैसे बनाएगा जी? मतलब क्या सर, पूरा अब जा रहा है, 80 किलोमीटर बेस्ट आ रहा है, मतलब क्या, समझ में आता है बात? गाड़ी घूम के आ गया, सर मतलब इसमें क्या लिखना भोला, 80 किलोमीटर काम से 80 किलोमीटर बेस्ट है, तब भोला आप इधर अगर ईस्ट ले रहे हो 40 किलोमीटर, तो बेस्ट किधर है, इधर है ना, तो गाड़ी इधर से घुमा होगा और इधर से 80 किलोमीटर आया होगा, है ना? बात समझो, सिनारियो क्या हुआ, गाड़ी यहाँ से 40 किलोमीटर चला, फिर गाड़ी घुमा, तब ना बेस्ट होगा जी। इधर बेस्ट ले रहा तो बेस्ट को उल्टा क्या होता है, बल्कि इधर ईस्ट ले रहा तो ईस्ट को उल्टा क्या होता है, बेस्ट होता है। तो इधर जब ईस्ट है तो इसको घुमाओगे तब ना ही बेस्ट हो जाएगा, तो बेस्ट में आया 80 किलोमीटर, मतलब क्या सर, मतलब क्या भोला, मतलब क्या बाबू, ये गाड़ी घूमा, यहाँ से घूमा, है ना? हाँ सर, अब फिर चला, कितना चला, 80 किलोमीटर चला, तो यहाँ तक आएगा कि मान लो पॉइंट बी डैश या सी जो भी ले लो, जो मन है वही ले लो, मान लो ये पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट कितना हो गया, डी हो गया, तो सी डी के बीच की दूरी कितना, 40 से होगा ना, और ये रास्ता वह 40 है तो इसके नीचे ये भी 40 होगा, है ना? 40, लेकिन बेस्ट में कितना चल रहा है, 80 किलोमीटर, कितना चला, 80 किलोमीटर, तो और आगे गाड़ी बढ़ा होगा, ये आया होगा 40, यहाँ से घूम के तो 40 चलवे करेगा, 40 और इधर आएगा ना, मतलब क्या सर, मतलब क्या भोला, मतलब गाड़ी कहीं इधर आया होगा बेस्ट डायरेक्शन की ओर, बात समझ में आता है? पॉइंट सी डी ई, है ना, यहाँ से यहाँ तक, कैसे क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, दम है, थोड़ा सा सोचोगे समझोगे बन जाएगा, है ना बाबू? ठीक बोला कि नहीं? ठीक, देखो क्या करा, गाड़ी 40 किलोमीटर कहाँ चला, ईस्ट की ओर गया, गया प्योर 40 किलोमीटर,
अब फिर बाबू बेस्ट जा रहा है, 80 किलोमीटर बेस्ट जा रहा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, 80 किलोमीटर बेस्ट, तो यहाँ से बेस्ट बाबू कैसे जाएगा, गाड़ी घूमेगा टर्निंग लेगा, और 80 जाएगा तो घूम के यहाँ तक तो 40 आ गया, और 40 और जाएगा तो 40 और आगे जाएगा ना जी, तो ये टोटल 80 हो गया। कितना टाइम, टाइम 2 आवर, तो 2 आवर कहाँ दिल्ली है, टोटल घंटा दिया हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ जाके फिर घूम के आने का दिया हुआ, टोटल नहीं ना कुछ कह रहा बाबू, तो ये टोटल टाइम दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ये दीदी वीडियो ऑन करो, ये संदीप में ऑन करो, ये सब शैतान वीडियो बंद है सबके लिए जी, मतलब क्या सर दिया हुआ, डाटा नहीं है इसीलिए ऑफ किया हूँ। आए जी अभी क्लासों शुरू नहीं है, डाटे खत्म हो गया जी, ये बाबू सर आज पूरा रिचार्ज टाइम का दिया हुआ लास्ट है, डेट है ना। ये बाबू पूरा टाइम दिया हुआ है, ठीक, मतलब आपको एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालने का रहा है ना बाबू, तो कैसे करोगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, सोचो सोचो सोचो, टोटल डिस्टेंस हमको एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना सर, 40 गया और घूम के 80 आया, तो 40 प्लस 80 किलोमीटर बराबर कितना, 120 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना सर, 2 घंटा दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 2 आवर दिया हुआ है, हमको एवरेज वेलोसिटी भी निकालने का, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चाहे टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भोला मेरा, सोचो सोचो, कौन बताएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, अरे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या सिंपली नहीं समझ में आता तो डिस्प्लेसमेंट ही बोलो, कितना होगा आदित्य, तो सर 40 कितना, 40 सर 40 40 बहुत कितना होगा आदित्य बोली, डिस्प्लेसमेंट सर कितना होगा जी, 40 होगा ये आदित्य कितना होगा जी, आदित्य भोला, हाँ भोला -40 सर। देखो बाबू, अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो भोला मेरा, इधर पॉजिटिव लेते हो है ना सर, हाँ सर, तो 40 गया और घूम के तो 40 आ गया ना, तो आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से इधर करेंगे, तो इधर कितना होगा, 40 है ना डिस्प्लेसमेंट होगा बाबू, ये कितना है, 40 किलोमीटर है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, तो स्टार्टिंग पॉइंट यही ना जी, अब फाइनल पॉइंट यहाँ हो गया, ये पॉइंट बोलो स्टार्टिंग पॉइंट, मान लो यहाँ सर, अरे ये दोनों सेम है ना जी, तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ फाइनल पॉइंट यहाँ, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, यही होगा, तो यही क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो कितना लिखेंगे सर, 40 किलोमीटर, अब समझना है 40 किलोमीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट है ना सर, सर आप माइनस करना था। अच्छा ठीक, 40 किलोमीटर, वो फिजिक्स में बाबू जब भी बाबू आपको माइनस दिखाई दे, जैसे माइनस मान लो 40 आ गया, -60 आ गया फिजिक्स में है ना, तो निगेटिव साइन क्या बताता है, डायरेक्शन उल्टा होता है, ठीक है ना, किसी भी बाबू नंबर के अगर फिजिक्स में निगेटिव आ गया है ना, मतलब समझो अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव आ गया मतलब वो डायरेक्शन उल्टा होगा, अगर गाड़ी ऐसे जा रहा इधर ईस्ट की ओर जा रहा है ना बाबू, और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ जाएगा, कैसे बाबू, 0 -40 करोगे -40 आ जाएगा है ना, तो ये 40 किलोमीटर तो डिस्प्लेसमेंट है सर, लेकिन कन्ने है, ईस्ट है कि बेस्ट है, बेस्ट है, तो 40 किलोमीटर क्या लिखना, बेस्ट लिख लेना डायरेक्शन है ना, ठीक बोला, 40 किलोमीटर किधर है, बेस्ट है, तो बेस्ट में बेस्ट लिखो, अच्छा नहीं लगता, 2 बार्स बेस्ट कर दो, किधर, पूरा पश्चिम की ओर है ना, ठीक है ना, तो अगर मेरा गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन फाइनल बाबू गाड़ी किधर जा रहा है, बेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहा है, बस हो गया, अब खत्म, इतना कर लिया, तब कुछ करना, अब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालो, बस खेला खत्म हो गया, तो एवरेज स्पीड कितना है ना, एवरेज स्पीड मेरा बाबू क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, उसमें बाबू डायरेक्शन से नहीं मतलब है, तो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन है ना, हाँ सर, टोटल डिस्टेंस हो गया भोली, अब बटा टोटल टाइम हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना, 120, टाइम कितना, 2 ऊपर किलोमीटर नीचे गया आवर बराबर 60 किलोमीटर पर आवर हो गया है ना, एवरेज वेलोसिटी सर है ना, एवरेज वेलोसिटी क्या सर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, हाँ सर,
इतना आधा का वीडियो बंद। ए अदिति काय बंद किलो बाबू, अदिति अदिति एवरेज वेलोसिटी, नेट नहीं। एवरेज वेलोसिटी कितना सर? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्या बोला? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। बट्टा क्या बाबू? टाइम टेकन। कितना आसान है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना सर? 40 किलोमीटर। टाइम टू बाबू, यूनिट के साथ डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट बाबू, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन जरूर लिखना, अदरवाइज बाबू गलत हो जाएगा। तो इतना किलोमीटर पर आवर, इसको कैलकुलेट करोगे तो 20 किलोमीटर पर आवर। आंसर ये हो गया। अब कन्या है सर, तो टुवार्ड्स वेस्ट की ओर। किधर हो रहा है? टुवार्ड्स वेस्ट की ओर। तो यही आपका क्या बोला? सॉल्यूशन है। इसी तरह से एग्जाम वगैरह में बनाना रहता है बाबू। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कृतिका भोली? हाँ यस सर। भोली। नेक्स्ट बाबू, अगला क्वेश्चन बना भोला। क्वेश्चन नंबर 21 बाबू। लक्ष्मी मन से पढ़ा बाबू। अ ट्रक ड्राइवर ड्राइव्स ट्वेंटी किलोमीटर ईस्ट इन 5 मिनट एंड देन रिवर्स द डायरेक्शन एंड ड्राइव्स 12 किलोमीटर इन 3 मिनट। लिखिए, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। क्या कर रहा बेटो? लिख रहा बोला। फाइंड हाँ सर। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। लिखिए, समझाते क्या है जी। क्या गप कर रही हो अनुष्का? बहुत पिटेंगे बोली। शैतान गप करने में लगी हुई हो। एक तो लेट आती है बोली। अच्छा ये बाबू बायजू ओडा पता नहीं क्या, उसका ऑनलाइन क्लास नहीं है वहां पे बाबू? आप गप कीजिए, कुछ कीजिए, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे बाबू हर एक मूवमेंट का, आपके हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है। जल्दी लिखे, समझाते सर हैं। आपका क्लास सबसे बेस्ट है। वेदांतु बायजू से बेस्ट। नेक्स्ट भोला, अब मनीषा साहू एकदम जिंदगी जीने में लगी हुई है। जल्दी बुझे, गप खाली करते रहते हैं। छुट्टी हो गया अनुष्का? बोलिए अनुष्का, छुट्टी हो गया जी? समर वेकेशन हो गया बाबू? यस सर। वाह, तो दिन भर तो बैठी रहती हो।
चलो अगला क्वेश्चन समझो, 21 नंबर। सारा सर रुक जाइए। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। सारा बच्चा एसी वर्मा का बुक खो खरीद लेगा, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ा बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं है 25-30 को क्वेश्चन है बना लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट यूज रहता है। सर यहाँ मिलेगा? मिल जाएगा, वो फेमस बुक है, देखिएगा, नहीं मिलेगा तो फिर बताइएगा। क्लास 9 SA वर्मा फिजिक्स, दुकान वाले शायद आपको बोले कि आता भी नहीं है, 11-12 का आता है, लेकिन ऐसी बात नहीं, आती है। ऑनलाइन में मिल जाएगा? हाँ नहीं तो बाबू ये देखिएगा है ना, ऑनलाइन देखिएगा, अगर मिल जाएगा तो वो आपके लिए इजी होगा, यस सबसे आसान वही होगा, ज्यादा नहीं है, सस्ती सी बुक है, हम लोग 500-600 रुपये वाले बुक नहीं चलाते हैं, सर मिल गया। है ना, 500-600 रुपये वाला नहीं बाबू, सिंपल सी है ना। देखो ए ट्रक ड्राइवर बाबू ड्राइव्स बाबू 20 किलोमीटर ईस्ट बाबू इन 5 मिनट, कोई ट्रक ड्राइवर है सर? नहीं हो सकता है सर, है ना। सॉल्यूशन बोला कौन सा, 21 नंबर। क्या क्वेश्चन आप कैसे लिख दिए सर? इतना जल्दी इतना बोला, क्या जल्दी क्वेश्चन कैसे लिख दिए सर? कर रहे थे जी? ए ट्रक ड्राइवर बाबू 20 किलोमीटर बाबू ईस्ट इन 5 मिनट, कोई ट्रक ड्राइवर है? नहीं हो सकता सर, कितना जाता है सर? 20 किलोमीटर जाता है, गया सर 20 किलोमीटर, कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट लिखा है तो इधर ही ना ईस्ट है मेरे लाल, इधरे ना ईस्ट है, ईस्ट गया, यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, कोई दिक्कत है तो पूछो, आ नहीं तो आगे की कहानी सुनो, है ना। ठीक सर, एंड बाबू देन रिवर्स बाबू डायरेक्शन, एंड बाबू ड्राइव 12 किलोमीटर इन 3 मिनट, जाने में बाबू 20 किलोमीटर है, और कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट टाइम लग रहा है। अब उसके बाद क्या करता है? रिवर्स करता है, रिवर्स मतलब उल्टा होता है, गाड़ी ऐसे जा रहा है ट्रक ड्राइवर, फिर यहां से रिवर्स किया, रिवर्स का मतलब उल्टा किया, ठीक, तो रिवर्स किया बाबू, कितना ड्राइव किया बाबू? 12 किलोमीटर, मतलब गाड़ी मेरा लाल भोली इधर से रिवर्स किया, है ना। ठीक सर, आ कितना किलोमीटर चला? 12 किलोमीटर, है ना, कितना चला? 12 किलोमीटर। आप समझना शांति से, ठीक, ये मान लो पॉइंट सी हो गया, तो ये टोटल बाबू ए बी 20 है, तो 12 कितना जाएगा? अरे मेरे लाल, ए बी सी डी हो गया, 12 ही टोटल 20 है, तो 12 कहीं इसी के आसपास आएगा जी, अरे पूरा 20 है, यहां से रोड टर्न करोगे 12, तो मान लो यहां आएगा, यहाँ आएगा, है ना, वही आएगा, माने आधा से ज्यादा पे जाएगा, तो आधा से ज्यादा यहाँ पे आ गया कि नहीं, ये पॉइंट डी हो गया और ये पॉइंट आपका ही हो गया, बात समझ में आता है? ये कितना आ गया? 12 किलोमीटर, कितना टाइम में? 3 मिनट जरा में। सबर कर। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? देखो शैतान है सर, गाड़ी चला 20 किलोमीटर चला, 5 मिनट लग गया, फिर गाड़ी घूरा रिवर्स लिया और 8 चला, 8 12 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे आके रुक गया, नहीं हो सकता 12 किलोमीटर, है ना, कितना लग रहा टाइम? 3 लग रहा, तो यही गाड़ी को रुका गया है यहाँ पे, ठीक, तो कह रहा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, नहीं निकाल लोगे मेरे लाल, एवरेज स्पीड क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी क्या? डिस्प्लेसमेंट, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो सोचो, ये बाबू टोटल 20 में 20 में 12 तो आ गया, तो यही ना आपको बाबू स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे मान लो, ये स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट यहाँ है, तो ये बीच का जो लेंथ होगा वही ना डिस्प्लेसमेंट होगा जी, हैं बात समझ आता है? ये दोनों पॉइंट बस सेम है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट यहाँ, तो इसके बीच का जो लेंथ होगा वही होगा, तो टोटल 20 में 12 इधर घटा दोगे तो 8 बचेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर, किधर? पश्चिम, किधर? पश्चिम की ओर, किधर? पश्चिम की ओर, है ना, बस इतना समझ गया, हो गया, तो नेक्स्ट बाबू टोटल डिस्टेंस कितना लिखिए, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ड्रा करो जी, 20 12 कितना? 32 बाबू, 32 किलोमीटर, सर डिस्प्लेसमेंट फिर से बता दीजिए। सर नेक्स्ट, आप बाबू कंसंट्रेट नहीं करते जी, टोटल टाइम
टोटल टाइम कितना सर? मिनट में ध्यान देना, 5 मिनट और प्लस 3 मिनट, ये मिनट में है तो 8 मिनट हो गया। अब 8 मिनट को घंटा में बदलना चाहो घंटा में बदल लो, तो 8 मिनट में कितना 8/60 आवर हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, 4 से मार धर करो बोली है ना, तो 4 से मार धर करोगे बाबू कितना बचेगा? 4 से बाबू 2 और 4 से मारोगे 15, मतलब 2/15 आवर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट सर, अरे तो गाड़ी 20 गया, जरा मैं 12 रिटर्न हो गया, तो जो ये पाथ लेंथ होगा भोला मेरा, मान लो गाड़ी बाबू यहाँ पे आके भोला मेरा समझ भी नहीं करता ऐसा, यहाँ से ऐसे 20 गया फिर घूमा अब 12 आ गया, यहीं पे गाड़ी खड़ा है तो यहाँ पे कैसे खड़ा करोगे? फिगर खराब हो जाएगा इसलिए नीचे खड़ा कर दिए, यहाँ पे खड़ा नहीं ना कर सकते जी, फिगर खराब हो जाएगा तो इसलिए नीचे खड़ा कर दिए, तो यहाँ पे खड़ा तब यहाँ यहाँ के बीच की जो दूरी होगी वही ना डिस्प्लेसमेंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट ही फाइनल पॉइंट ही, तो इसके बीच का दूरी निकालो कितना हो जाएगा, तो टोटल 20 है, टोटल यहाँ से यहाँ तक 20 है, जरा मैं 12 आ गया तो बचेगा जो 8 हो जाएगा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? नेक्स्ट और भोला चेंज इन डिस्प्लेसमेंट 8 किलोमीटर, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है ना, हाँ सर, कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर किधर है? बेस्ट की ठीक हो गया सर। अब आगे निकाल लो, अब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकाल के आंसर लूट लीजिए है ना, एवरेज स्पीड क्या सर? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 32, टाइम कितना 2/15 है ना किलोमीटर पर आवर, अभी सॉल्व करने के लिए आता ना, 15 नीचे ऊपर कर दो, तो मार धर करो 2 से 16, 16 15 कितना होगा, मल्टीप्लाई करो जी, 16 85 160 240 हो जाएगा, इतना फास्ट गुना कैसे किया सर? अरे 16 मल्टीप्लाई 15, 16 मल्टीप्लाई 5 कितना 80 होगा, और 16 दें कि 160 होगा, 60 180 240 होगा एवरेज सर एवरेज वेलोसिटी बाबू कितना सर? एवरेज वेलोसिटी बाबू डिस्प्लेसमेंट 8 किलोमीटर बटा टाइम सर, वही टाइम है बोला 2/15 है ना, इतना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 15 उछल के ऊपर जाएगा बाबू मेरे, तो 8/2 मल्टीप्लाई 15, 2 से मार धार करो, तो 4 सिक्स टाइम प्लस में हो गया 15 4 जा 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। किधर है सर बेस्ट की ओर? डिस्प्लेसमेंट मेरा बेस्ट है ना बाबू, तो किधर हो गया? 2 वाट्स बेस्ट हो गया है ना, हाँ सर, तो यही आपको करना रहता है। क्या करे सपना पूरा कपड़ा बाबू अभी सरिया लोगे जी? सर, गिर गया था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, टाइम हो गया हाँ तो एगो क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 22, होमवर्क हाँ इसको थोड़ा बनाना, में सर। ए बॉडी कवर्स सर ये क्या पढ़ा रहे हो? अच्छा ये वैसे भी कर ठीक है। फर्स्ट बाबू 1/1/3 पार्ट और मैं दोस्त ऑफ जर्नी, विथ वेलोसिटी
2 मीटर पर सेकेंड, नेक्स्ट 1/3 पार्ट, विथ वेलोसिटी टी थ्री मीटर पर सेकेंड एंड रेस्ट ऑफ जर्नी 6 मीटर पर सेकेंड फाइंड एवरेज वेलोसिटी मेरी साइंस की कॉपी में आप लिखो। इसको थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो कल आपको बताएंगे। कौन कौन भागा जी, उसका हिसाब किताब किया जाए। अंशिका, अनुष्का, शांतनी, कृतिका, लव, लव का होमवर्क नहीं आया बहुत दिन से, कूटते हैं सबको। बाय सर।